एवरीवन, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। और ये बहुत ही झटपट में बनके रेडी हो जाता है ये नाश्ता, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा ये नाश्ता। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ली हूँ एक कच्चा आलू और एक छोटा प्याज मैं ली हूँ, उसको कटिंग कर ली हूँ। और 2 से 3 यहाँ पे लहसुन कलियाँ ले लिया है मैंने, और 2 हरी मिर्च। तो आलू को क्या करना है, आपको इस तरीके से छोटे पीसेस में आपको कट कर लेना है चाकू से। इस तरीके से काटेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, तो मुझे ग्राइंड करना है इसको। तो इस तरीके से मैं आलू को साइड पे रख देंगे। और एक यहाँ पे मैं ली हूँ एक छोटा सा मिक्सर जार, तो इसमें मैं आलू ऐड कर दी हूँ और प्याज और लहसुन और हरी मिर्च ऐड करके इसके हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप बिना चाहते हैं लहसुन प्याज का बनाना तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को रखती हूँ और मुझे ग्राइंड कर लेना है, तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और आपको ग्राइंड करना है तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना है, आपको बिना पानी का ग्राइंड करना है। तो इसको साइड पर रख देंगे और यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से आपको डाल देना है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। तो आपको ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है इसमें कलर के लिए। और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं कच्चा जीरा ऐड की हूँ, इससे बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है नाश्ते में। और मैं यहाँ पे एक गाजर घिस करके ली हूँ, मतलब कद्दूकस करके यहाँ पे मैंने लिया है। और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरा धनिया, तो हरा धनिया आप ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा नाश्ता बनता है। तो सभी को यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्दी नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास पत्ता गोभी हो तो उसको भी आप बारीक काट कर ले सकते हैं, यहाँ पे शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और भी हेल्दी बन जाएगा नाश्ता। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके, और मैं यहाँ पे ली हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो यहाँ पे सूजी आप ले सकते हैं या गेहूँ का आटा ले सकते हैं। तो मैं 4 चम्मच यहाँ पे चावल का आटा इसमें ऐड की हूँ, और इसके बाद हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, पहले अच्छे से चावल के आटा को हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमें पानी इसमें ऐड करना है। तो जो मैं आलू ग्राइंड की थी ना उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, ताकि वो अच्छे से निकल जाए। आलू थोड़ा सा उसमें रह गया था, तो मैं उसको अच्छे से पानी डाल करके इसमें मैं डाल दी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस 1 से 2 चम्मच और ऐड कर देंगे। उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे वेटर है ना, आपको पतला नहीं करना है, नहीं तो ये नाश्ता मतलब अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, और इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और लास्ट में हम नमक डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मसाले में आपको जो पसंद हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बताई हूँ, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए इसे गैस क्रब चलते हैं और हम बनाते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज चम्मच यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दी थी, और ये गरम हो चुका है। तो इस तरीके से हम डाल देंगे, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे डालना है, ताकि ये राउंड शेप में आ जाए। और एक एक करके जितना पैन में आए उतना आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम पे करना है फ्राई, और आपको हाई नहीं करनी है बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद मैं यहाँ पे अलट पलट कर लूँगी अच्छे से, और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है फ्रेंड्स, और बहुत ही कुरकुरा सा ये चटपटा सा नाश्ता बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको फ्राई कर लेना है, और इसको फ्राई करने में बस 3 से 4 मिनट लगता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत झटपट में फ्राई हो जाता है। तो हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई कर लेना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा हम और इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम निकाल लेंगे, और ये बड़ा वाला छन्नी होता है ना, उसमें हम डाल देंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो इस तरीके से आपको इसमें डाल करके उसके बाद प्लेट में ले लेना है।
तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉस के साथ सर्व की हूँ, आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और आप चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह शाम में आप इसे बना कर खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी इसका टेक्सचर कितना प्यारा सा आया है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुई है नाश्ता। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।